प्रॉपर्टीज और उसका थोड़ा बैकग्राउंड फाउंडेशन कंपटीशन लेवल का वो करना था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन फाउंडेशन में हम लोग कर ही चुके हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी वहां पर की हैं। वो जो प्रॉपर्टीज हम लोग पहले कर चुके हैं मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, फिर नेक्स्ट एडवांस प्रॉपर्टीज करेंगे उसके बाद में। तो वहां पर हम लोगों ने कोई 6 प्रॉपर्टीज की थी। एक थी प्रॉपर्टी नंबर 1 इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, जिसे चेंज ऑफ वेरिएबल रूल कहते हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल रूल फेमस रूल है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अपर लिमिट कैन बी मेड लोअर, लोअर लिमिट कैन बी मेड अपर, पेनल्टी फॉर दैट इज माइनस साइन एंड एफ एक्स डी एक्स। इसे कहते हैं चेंज ऑफ लिमिट रूल। लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, अपर लिमिट इज मेड लोअर, लोअर लिमिट इज मेड अपर। थर्ड प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए, ये प्रॉपर्टी 3 बहुत फेमस प्रॉपर्टी और सो मैनी टिपिकल क्वेश्चन को ये सॉल्व कर देती है। इसमें लोअर लिमिट का 0 होना कंपलसरी है और तब ये प्रॉपर्टी कहती है कि रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स, रिप्लेस दिस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स, बस नो अदर चेंज, एक ही चेंज होता है सारे फंक्शन में। रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स किया जाता है। और उसके बाद प्रॉपर्टी 4 आपने की थी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसके 2 पीस हैं। एक पीस में इंटीग्रल डबल और 0 टू ए लिमिट हो जाती है एफ एक्स डी एक्स, और दूसरे पीस में इसका आंसर 0 होता है। ये 0 आंसर तब होता है जब एफ एक्स कैसा ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो, फिर तो आंसर 0 आ जाएगा। और एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो फिर आंसर आ जाएगा डबल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 P5। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, इजी सा 0 कम से कम ऑड वाला दे देते हैं एग्जांपल। वैसे तो काफी फेमस है और इसके बहुत क्वेश्चन आपने किए हुए हैं फाउंडेशन में। कोई रख देता हूं माइनस ए टू ए लिमिट डालनी पड़ेगी, एक्स की पावर 2020 डाल दू और साइन की पावर 2021 एक्स। हमने नॉइंगली इसको ऑड फंक्शन बनाया, ऑड फंक्शन में ना इंटीग्रल की वैल्यू वैनिश हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मैंने सोचा ऑड का एग्जांपल दे देता हूं, इवन वाले में डबल हो जाती है, इवन का एग्जांपल और आगे कब आते ही रहते हैं वो तो एग्जांपल। ऑड वाला मैंने बनाया, ऑड वाला देखने में भी थोड़ा ऑड सा ही लगता है। तो हमें इसमें एफ एक्स चेंज चेक करना होता है कि हमारा एफ एक्स इवन है कि ऑड है। तो आप देख सकते हो एफ एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर 2020 और साइन की पावर 2021, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2020 साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर हुई 2021। माइनस की इवन पावर प्लस होगी,
साइन ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स और पावर आपकी 2021। नेगेटिव की ऑड पावर, नेगेटिव और साइन की पावर हो गया 2021x। तो ये आपका माइनस एफ एक्स बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। इसका मतलब हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, और इसलिए इंटीग्रल वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये थी प्रॉपर्टी फोर का सेकंड ऑड वाला पार्ट। अगर जो इवन वाला पार्ट देखना है तो मैं उसका एक एग्जांपल याद दिला देता हूं। एग्जांपल एग्जांपल इसके लिए जो पावर है वो छोटी रखनी पड़ती है, जैसे माइनस पाई बाई टू तो पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और कॉस की पावर बहुत ज्यादा हो तो भी अपने पास प्रोविजन है, आगे चल के बताएंगे। छोटी पावर है तो यहां से डायरेक्ट आराम से हो जाता है। एफ एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, स्क्वायर ऑफ दैट कॉस स्क्वायर एक्स जो कि एफ एक्स हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इस बार प्लस एफ एक्स निकल गया, तो इंटीग्रल विल बी डबल्ड एंड लिमिट विल बी जीरो टू पाई बाई टू। तो आई इज इक्वल टू डबल जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज, ये ना टू कॉस स्क्वायर है, टू कॉस स्क्वायर वन माइनस कॉस टू एक्स होता है, और इंटीग्रेट कर देते हैं ऑर्डिनरी इंटीग्रल कोई खास नहीं, और पावर बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए दूसरा अरेंजमेंट है, वो मैं आगे बताऊंगा अरेंजमेंट। वन का इंटीग्रल एक्स हो गया, कॉस टू एक्स का इंटीग्रल साइन टू एक्स बाय टू, जीरो टू पाई बाय टू लिमिट रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस साइन डबल ऑफ पाई बाय टू माइनस रिप्लेस एक्स बाय जीरो माइनस साइन जीरो इज जीरो, साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो, तो आई आपका पाई बाई टू आ गया। इस तरह से प्रॉपर्टी फोर का एग्जाम्पल भी हो गया। अब आपको प्रॉपर्टी फाइव नंबर याद दिलाता हूं कि पी फाइव क्या है। पी फाइव इसी पे लिख देता हूं, इस पेपर पे चल जाएगा। ये है प्रॉपर्टी जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसके भी टू पीस होते हैं। एक पीस है डबल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल डबल और लिमिट हाफ हो जाती है। ये वैलिड तब है जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो, और इसका जो सेकेंड पार्ट वो जीरो, ये तब वैलिड जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए। जैसे क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स, अभी हमने वहां कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। एक तरीका ये कॉस स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इवेल्युएट कर दो, दूसरा तरीका है कि प्रॉपर्टी लगा के इवेल्युएट कर दो। तो हियर
टू ए की वैल्यू 2 पाए, एफ एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स टेस्ट करके देना है, वो प्लस एफ एक्स निकल गया तब इंटीग्रल डबल होगा। तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, एफ ऑफ टू ए का मतलब 2 पाई माइनस एक्स, एफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है एंगल में, जब एंगल की तरह यूज हो तो वो 0 डिग्री होता है। कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ऑफ दैट, ये आपका एफ एक्स आ गया। एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स प्लस एफ एक्स निकल गया तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट पीस में चला गया, डबल करना है 0 टू ए लिमिट करनी है। तो यहां पर ये हमने फॉर एग्जांपल बताया, तो योर इंटीग्रल विल बी डबल्ड, लिमिट विल बी हाफ्ड। अब इंटीग्रल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और फिर से प्रॉपर्टी लगानी है तो फिर से प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। जैसे कोई टिपिकल ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी लगा के लिमिट को और भी हाफ किया जा सकता है। फिर से 2a की वैल्यू पाए है और एफ एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स है। अब 2a की वैल्यू पाई होगी, पहले 2a की वैल्यू 2 पाई थी, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, ये लिखा पड़ा है, रिप्लेस एक्स बाय पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स हो गया प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ऑफ दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स बैक टू एफ एक्स, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो गया। तो योर इंटीग्रल विल बी फर्दर डबल्ड एंड लिमिट विल बी हाफ्ड। सो आई इज इक्वल टू 2, डबल और कर दो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन काफी कंट्रोल में आ गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2 एक्स लिख सकते हो, 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया और कॉस 2 एक्स का इंटीग्रल साइन 2 एक्स बाय 2 0 टू पाई बाय 2। इसके बाद रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय 2 साइन डबल ऑफ पाई बाय 2 पाई होल अपॉन 2, रिप्लेस एक्स बाय 0 तो साइन 0 0 होता है, ये हो गया 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 0, सो आंसर इज पाई। बेटे कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो हमने अब तक प्रॉपर्टी नंबर 5 तक एक्सप्लेन करके दी, अब करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि काफी पॉपुलर है। एक सेकंड रुकना, पेपर्स बदल लेता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, ये प्रॉपर्टी लोअर लिमिट नॉन जीरो हो फिर भी लगती है, प्रॉपर्टी 3 की तरह काम करती है, एफ डीएक्स। आप में से किसी को पता है बेटा यहां क्या लिखा जाएगा, कोई बता सकता है? ए प्लस बी माइनस एक्स। यस बिल्कुल सही है, रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट
माइनस एक्स, यहां पे लिखा जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस एक्स। फेमस प्रॉपर्टी की का एक एग्जांपल मैं देता हूं, यहां लिखता हूं ए, यहां पर बी, यहां पर एक्स की कोई भी पावर डाली जा सकती है, 20 लिख देता हूं, बड़ी पावर लिखूंगा तो रिपीट करनी पड़ेगी बार बार। नीचे भी एक्स की पावर 20 होगा लेकिन एक होगा ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे क्वेश्चन बनता ही, क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। ऐसे ही बोलो क्वेश्चन बनाते हैं जो पूछते हैं ना, तो नए क्वेश्चन बना लेते हैं, तो वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ऐसे बना लेते हैं, जैसे मैंने बना के दिया। प्रॉपर्टी 6, जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है, ये उसी से होगा डायरेक्टली, नो वन कैन इवैल्यूएटेड, टफ है। तो क्या करना, प्रॉपर्टी 6 लगाने के बाद रिप्लेस ईच एक्स बाय ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, यह बी केयरफुल, ए प्लस बी कॉपी करें, माइनस कॉपी करें, रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस बी माइनस एक्स की पावर 20, ए माइनस ए बी माइनस बी कैंसल, कैन बी रिटन एज फॉलोज, प्लस ये माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 20 है बेटा, बन गई इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 + 2 गिव्स यू द फॉलोइंग, आई प्लस आई हो गया 2i, ए टू बी इधर dx, दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल है, ध्यान से देखो, इंटरचेंज हुआ पड़ा है, ये और ये सेम है, तो इक्वल डिनोमिनेटर विल कम एज एलसीएम, वो है आपका एलसीएम बन जाएगा, तो एलसीएम कॉपी कर दो, एक्स की पावर 20 ए प्लस बी माइनस एक्स की पावर 20 कॉपी कर दिया। नाउ न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड, ये और ये ऐड कर दो, एक्स की पावर 20 प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स की पावर 20, इनको आपस में कैंसल कर सकते हो, 1 का इंटीग्रल हो गया एक्स, लिमिट फ्रॉम ए टू बी, रिप्लेस एक्स बाय बी माइनस रिप्लेस एक्स बाय ए, 2i आया, तो आई की वैल्यू आ गई बी माइनस ए बाय 2। अब ये फार्मूला जैसा बन गया, जो रिजल्ट मैंने बताया, ये तेज बच्चे ना फार्मूले की तरह यूज कर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल थोड़ा सा बताता हूं, जैसे इंटीग्रल ए टू बी, यहां एनी फंक्शन ऑफ एक्स, यहां भी एनी सेम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फाइव ए प्लस बी माइनस एक्स, आंसर इसका आप करके देखना बी माइनस ए बाय 2 ही आएगा, ये उसी का जनरलाइज्ड वर्सन है, जो भी बताया यही आंसर आएगा, मैं भी कराते रहते हैं, प्लस 2 में प्रॉपर्टी 6 तक आपका सिलेबस है। अब इसके बियॉन्ड भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनकी नॉलेज आपको देता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको कराएंगे, लर्न करें, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, लर्न करोगे यूज करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन होने लग जाएंगे, इतनी पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं। ये है प्रॉपर्टी नंबर 7,
ये तब लगती है जो एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड ए। कोई फंक्शन ना पीरियोडिक रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, जैसे साइन एक्स है ना, तो साइन का ग्राफ कैसा रिपीट करता है, ऊपर को गया फिर नीचे, ये इसका एक पीस बन गया, एक पीरियड यहां तक है, एक अपर एक लोअर, यहां तक वन पीरियड हुआ जीरो टू पाए और पाए